नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। इस समय अखिलेश जी की कटनी में जनसभा समाप्त हो गई है। यहाँ पर देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा है। अखिलेश जी ने जनसभा को संबोधित किया। सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस पर हमलावर थे। ये जो जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा है, जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर लोग ही लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। पीछे देखिए छतों पर भी लोग मौजूद होकर के, जगह नहीं मिली तो छतों पर से भी लोग समाजवादी पार्टी की जनसभा में शामिल होने के लिए कहीं ना कहीं आए हैं। जहां भी आपकी नजर जाएगी पीछे से नेशनल साइड से नेशनल हाईवे जाता है, उस नेशनल हाईवे के किनारे किनारे लोग हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है। जहां भी आपकी नजर जाएगी ये लोग हैं। देखिए सभी समर्थक चाहने वाले लोग यहां पर मौजूद हैं। वो भीड़, वो जनसैलाब, जो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं, समाजवादी पार्टी की जब यूपी में रैली होती है, यूपी में जनसभा होती है तो ऐसी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये भीड़, ये जनसैलाब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले दिन में अच्छी खबर है। किसको देख रहे हैं? अखिलेश यादव को। क्या माहौल है? अखिलेश यादव, बहुत अच्छा माहौल है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या माहौल है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है आज। अखिलेश यादव कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अखिलेश यादव कौन जीतेगा? अखिलेश यादव माहौल बढ़िया है। अखिलेश यादव साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी 100%। कमल का फूल हाथ का बन गया। नहीं साइकिल नहीं, साइकिल आपको दिखाई दे रहा होगा। जहाँ भी आपकी नजरें जाएंगी, जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहां पर जनसैलाब आपको दिखाई देगा। ये देखिए तस्वीरों में अखिलेश जी जनसभा संबोधित करने के बाद, अखिलेश जी जनसभा को संबोधित करने के बाद ये गाड़ी, ये इनकी फ्लीट यहाँ पर आ रही है। अब जाएंगे हेलीकॉप्टर में यहाँ से, क्योंकि आज कई सारी जनसभाओं को संबोधित करना है। चुनाव के दिन बहुत कम बचे हैं, उसी बीच इनको जनसभाओं को संबोधित करना है। हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अखिलेश जी से एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर अखिलेश जी से बातचीत हो जाए तो जनसभाओं को लगातार संबोधित करना है। 17 तारीख को मतदान है, उसके बाद जो कम दिन बचे हैं उसको समाजवादी पार्टी यूटिलाइज करना चाहती है। जहां भी जा रहे हैं वहां पर एक भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा है अखिलेश की रैलियों में। एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर 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 एक मिनट सर, जल्दी सर, क्या लगता है किस बार की जनसभाओं में जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, कैसे देखते हैं? कितना बड़ा लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के साथ साथ अपना आरक्षण चाहते हैं, जाति गणना चाहते हैं, महंगाई कम हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले। यहाँ की लोग परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। जहाँ कांग्रेस ने छोड़ा वहीं बीजेपी ने उतनी बेरोजगारी बढ़ा दी। जहाँ कांग्रेस ने गरीबों के घर नहीं बनाए वहीं बीजेपी ने और घर नहीं बनाए। तो ये जो तमाम सवाल है जिसका जवाब जनता इस बार वोट डाल करके देगी। पिछली बार सरकार में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका थी, इस बार की समाजवादी पार्टी इस बार भी भूमिका कहीं मेकर में आएंगे। चलिए ये बातचीत हुई, सीधे उन्होंने कहा कि इस बार भी अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी की भूमिका अहम रहेगी, किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। अखिलेश जी से सीधी बातचीत हुई। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हेलमेट, यहाँ पर हेलमेट पर जाएगा, बहुत सारी जनसभाओं को संबोधित करना है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अखिलेश जी जहाँ भी जा रहे हैं जनसैलाब दिखाई दे रहा है आपको। आगे की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।